अब दोस्तों वो होता गया है जिसका आप सबको इंतजार था। हेलो बाबू राव है? नहीं देवी प्रसाद है, बोल। ताला रख दिया तो भी पास। ये बाबू भैया का क्या करेंगे यार, इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगा। ये लगता है ये जगह तेरे बाप का है। ये हलकर, ये इधर हम दोनों काम कर रहे तो उधर चौकीदार की तरफ चक्कर काट रहा। अरे 20 लाख का इंतजार कर रहा हूँ। वो 20 लाख के तेरे को नजर क्या क्या आने वाला है? कहते हैं इतिहास अपने आप को फिर से दोहराता है, मतलब जो कांड हमने पहले किया था शायद हम फिर से वही करने जा रहे हैं। पर लगता है मेरी तब भी लगी थी और अब भी लगेगी। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल के करियर के लिए हेराफेरी 3 फिल्म काफी ज्यादा खास रहने वाली है, और वो इसीलिए क्योंकि इस फिल्म का इंतजार फैंस 1 साल से नहीं, 2 साल से नहीं, बल्कि 18 सालों से ज्यादा पहले से भी कर रहे हैं। और आपको बता दें कि ये बात मेकर्स भी अच्छी तरह से जानते हैं कि हेराफेरी 3 आखिरकार कितनी बड़ी फिल्म होने वाली है, क्योंकि इस फिल्म को चाहने वाले बच्चे नहीं बल्कि बुजुर्ग भी इस फिल्म को देखने के लिए काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। कुछ समय पहले ही हेराफेरी 3 मूवी की शूटिंग को शुरू कर दिया गया था, जिसे फराज सामजी के डायरेक्शन में पहले बनाया जा रहा था, जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करते हुए कुछ खास मूवीज डायरेक्ट नहीं की हैं, और शायद इसीलिए मेकर्स ने फराज सामजी को इस फिल्म से चेंज कर दिया गया है। और इसीलिए आप फिरोज नाडियाडवाला, जो कि इस फिल्म के पूरे कर्ता धरता है, वो इस फिल्म के लिए बॉलीवुड के कई सारे कॉमेडीज मूवी के डायरेक्टर से बात कर रहे हैं, और जल्दी कोई नया नाम हम सभी को जल्दी देखने और सुनने को मिलेगा। वैसे आपको बता दें कि हेराफेरी 3 फिल्म की स्टारकास्ट काफी बड़ी और लंबी रहने वाली है, क्योंकि इस फिल्म में हम सभी को बॉलीवुड के कई सारे कलाकार देखने को जो मिलने वाले हैं, और इसीलिए फिल्म का बजट भी काफी ज्यादा रहने वाला है। वैसे हेराफेरी 3 फिल्म के बजट को लेकर कोई ऑफिशियल अपडेट सामने नहीं आया है, पर इतनी लंबी स्टारकास्ट की वजह से इस मूवी का बजट वाकई में काफी ज्यादा रहने वाला है। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म में हम सभी को अक्षय कुमार राजू के किरदार में, सुनील शेट्टी श्याम के किरदार में और परेश रावल बाबू राव के किरदार में देखने को मिलेंगे, और साथ ही राजपाल यादव, जॉनी लीवर के अलावा भी कई सारे कलाकार हमें इस फिल्म में देखने को मिलेंगे, जो कि इससे पहले भी हेराफेरी और फिर हेराफेरी फिल्म में एक साथ देखने को मिले थे, और शायद इसीलिए इन गजब के कलाकारों की वजह से इस फिल्म को फैंस आज भी देखना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि हेराफेरी 3 को आखिरकार बॉलीवुड के किस डायरेक्टर के साथ बनाना चाहिए? उस डायरेक्टर का नाम हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आप सचमुच हेराफेरी 3 के लिए एक्साइटेड हैं, तो कमेंट में #हेराफेरी3 लिखना मत भूलें।